जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष कश्यप अभी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हूँ और रात के 11:31 हुआ है और अभी मैं हनुमानगढ़ी के पास हूँ। ये सामने जो है आपको हनुमानगढ़ी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सामने, और ये सारी सड़कें जो है वो मैं अभी 9 महीना तो जेल में रहा, जेल से निकलने के बाद आया देखा यहाँ पे, तो अयोध्या सच में अब मतलब कि वो वाली अयोध्या नहीं लग रही है जो पहले हुआ करती थी। अब ये आधुनिक अयोध्या जो है वो सच में अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अतुल्य लग रहा है। विक्रमादित्य ने अयोध्या को बसाया था और उसके पहले जो है द्वापर, त्रेता और सतयुग का अयोध्या के बारे में आप लोग जानते हैं, प्रभु श्री राम की नगरी है। लेकिन इस आधुनिक अयोध्या का न्यू जो है योगी आदित्यनाथ और आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पड़ा, और अभी हमारे साथ कुछ हमारे मित्र हैं और साथ में जो है टाइम्स ऑफ अयोध्या के जो है रवि भाई भी है। इनको जैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ये यहाँ पे चले आए, और हमारे रोशन भैया भी हैं, किसी कारणवश जो है ये आए थे साथ में और अभी निकल रहे हैं पटना, कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो रवि भाई जो है इनको पटना पहुंचवाने का व्यवस्था करेंगे। कल जो है हम लोग यहाँ पे रहेंगे, दर्शन करेंगे, और जो लोग सवाल करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आखिर जो है राम मंदिर से होगा क्या, क्या नहीं होगा, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि एक बार आओ और ये अयोध्या का जो विकास हुआ है उस विकास को देख लो, और देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस मंदिर से हुआ क्या और होगा क्या। चलिए बेसिक चीजों पे हम बात करते हैं। यहाँ की जो सड़कें बनी हैं ये सारी जो है आरसीसी रोड है, ये पीसीसी रोड नहीं, आरसीसी रोड है, और ये अगले 50 साल तक इस सड़कों को कुछ होने वाला नहीं है। सारा वायर जो है अंडरग्राउंड है, लाइट जो है, सारा कम्युनिकेशन का वायर जो है वो अंडरग्राउंड हो चुका है। इस प्रकार से अगर जो है हम अपने बिहार का कोई शहर अगर बना दे, कोई शहर अगर बसा दे, इस प्रकार का आधुनिक शहर बना दे, तो शायद जो है हमारे बिहार में भी जो है बहुत सारे लोगों को जो है वहीं पे रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ये तो जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं उन्हें पता है, जो कंस के, रावण के भक्त होंगे वो इन सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। रवि भाई, आपके शहर में हूँ, आपके जिला में हूँ, लोग बोलते हैं कि आप जो है बिहार में आ गए हैं, तो हम भी जो है सोचे कि यूपी में आ जाते हैं, आपके शहर में आ जाते हैं, प्रभु श्री राम की नगरी में आ जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि अयोध्या तो सबकी है और ये पूरा देश भी सबका है, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी स्थान पर जा सकता है, और भगवान का तो द्वार हरदम खुला रहता है सबके लिए, आपके लिए भी और कंस के वंशजों के लिए भी, रावण के भी वंशजों के लिए भी, वो भी आके अपनी आत्मा को तृप्त और आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबको भगवान आशीर्वाद देते हैं जो है। लेकिन क्या बोले, अब जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए और अस्पताल बनाना चाहिए, वो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मंदिर देखिए बनाने से भैया, अगर हम चैन बाई चैन बात करें, तो सड़क में बनाने सड़क बनाने वाले मजदूरों को यहाँ पर रोजगार मिला होगा। गिट्टी कहाँ से आई, मोरंग कहाँ से आई, बालू कहाँ से आई, जब ये तमाम चीजें कंपनियों का डेवलपमेंट हो गया, वो कंपनियां टैक्स देंगी गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट और डेवलप करेगी, यहाँ पर मिष्ठान भंडार जो है उन लोगों को रोजगार मिलेगा। मंदिर, ये मंदिर आज के 10 साल बाद आप यही सवाल पूछिएगा तो मैं ये बात 5 साल के बाद पूछेगा तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। 5 साल के बाद मैं सवाल नहीं पूछूंगा, 5 साल के बाद जो सवाल पूछ रहे हैं वो कहीं नहीं तो कहीं किसी बिल में घुस जाएंगे, किसी गुफा में घुस जाएंगे और ये सवाल नहीं करेंगे। और जो लोग आज सवाल कर रहे हैं वो 5 साल बाद जो है आके दर्शन करेंगे और फोटो खिंचवा के जो है सोशल मीडिया पे जरूर डालेंगे। 5 साल बाद यही राम मंदिर जो है कम से कम 5 से 7 अस्पताल चलाएगा, 4-5 जो है भोजनालय चलवाएगा, जिसके जिसमें आकर मैंने तो अपने वीडियो में बोल दिया है कि कम से कम 50 अस्पताल जो है राम मंदिर के द्वारा संचालित होगा, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में 50 से 51 अस्पताल तो राम मंदिर के द्वारा जरूर संचालित। अगर राम मंदिर का डेवलपमेंट नहीं होता तो अयोध्या का एयरपोर्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, जो है जंक्शन का डेवलपमेंट नहीं होता, और फिर और लोगों को रोजगार, काम, व्यापार वृद्धि, आय व्यय में वृद्धि, और उसके बाद जो अयोध्या राम मंदिर मतलब कि आज यहाँ होटल इंडस्ट्री इतने लेवल पर अभी है कि आप सोचिए कि होटल इंडस्ट्री का 2 साल के अंदर। बिहार के अनपढ़ नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, जरा बताइए पूरे बिहार में कई गो 5 स्टार होटल है, और जितना पूरे बिहार में 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल होगा पूरे बिहार में, उससे दुगुना ज्यादा जो है खाली अयोध्या में, खाली अयोध्या में, और ये 1 साल के 2 साल के अंदर डेवलप, खाली अयोध्या में। देखिए हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, आप लोग बताइए कि जो हज भवन बनाए हैं बिहार में उससे क्या फायदा हुआ?
और कितना हॉस्पिटल बना, कितना अस्पताल बना उससे। हालांकि हज जो मुस्लिम लोग जाते हैं वो जाए, अच्छा ही बात है, लेकिन जब आप प्रश्न खड़ा करते हैं सिर्फ एक कम्युनिटी से, तो वो कम्युनिटी आप अपने आप जो है ऑटोमेटिक दूसरा प्रश्न खड़ा कर सकता है, इससे जो है सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। तो ऐसा ना करें, और बिहार में भी हो सके तो एक अयोध्या जैसा शहर बसाने का प्रयास करें। रोशन भैया आप निकल रहे हैं जी। मैं अररिया गया था आपके यहाँ, जो है लड्डू से मुझे तौला गया, मुझे अच्छा लगा आप मेरे साथ आए यहाँ पे। फिर दोबारा कब आएंगे? बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। शायद इंसान की मर्जी नहीं चलती है। मुझे लगा कि मुझे इच्छा थी आज यहाँ रामलला के दर्शन करने का, मगर आज नहीं, कल सुबह। हाँ, कल सुबह करने का, मगर आज आए थे हम लोग, कल करना था, मगर शायद आज नहीं, मगर फिर कभी तो आएंगे ही आएंगे। सारा सड़क जो है यहाँ पे पतला पतला होता था ना सारा सड़क, अभी सारा चौड़ा चौड़ा हो गया, चौड़ा चौड़ा हो गया। हाँ, अच्छा कुछ विकास हुआ है कि नहीं? बहुत विकास हुआ है। पहले जो है अयोध्या जो है सिर्फ 5000 लोगों को रोजगार दिया था, 5000 6000 7000 लोगों को रोजगार दिया था। आज जो है सिर्फ अयोध्या शहर के वजह से कम 5 लाख, 50000 नहीं, 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। जरा सोचिए, एक शहर अयोध्या आज के समय में, वर्तमान समय में 2024, और आज जो है कितना तारीख हो गया, 9 तारीख हो गया ना, 10 तारीख, 10 जनवरी 2024 तक 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे दिया है। 5 साल बाद जो है यही शहर 25 लाख लोगों को रोजगार देगा। जब सूरत जैसा शहर 25 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है, मुंबई जैसा शहर जो है 50 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है, दिल्ली जैसा शहर 50 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है, तो अयोध्या तो 25 लाख लोगों को 5 साल बाद रोजगार दे सकता है कि नहीं दे सकता है? भरोसा है कि नहीं भरोसा? देखिए भैया, किसी राज्य का विकास तभी होगा जब उसके पर्यटक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। और हमें ये गर्व है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वाराणसी हो, विंध्याचल हो, या फिर अयोध्या हो, या काशी हो, या मथुरा हो, या वृंदावन हो, ये तमाम जगह, इसके बाद चित्रकूट की अगर हम बात कर ले, इन तमाम जगहों को विश्व स्तर पर डेवलप किया जा रहा है। ये धार्मिक स्थलों की बात कर लिया हमने, नोएडा को आप देख लीजिए, इसके बाद फिर आगरा को देख लीजिए, जो ताजमहल है उसको, तो वैश्विक स्तर का शहर है। तो इनसे जो है बिहार के अपेक्षा जो है उत्तर प्रदेश का कितना डेवलपमेंट है। ये बिहार का निगेटिव चीज बता रहा है, नेतवा सब कहता है सब निगेटिव मत बात कीजिए, खाली पॉजिटिव कीजिए। तो पॉजिटिव काम कीजिए, 4-5 शहर बनाइए, ऐसा 1-2 एयरपोर्ट बना दीजिए, 4-5 यूनिवर्सिटी बना दीजिए, और 20-25 अस्पताल बढ़िया सा खोल दीजिए। हम लोग उसी सब चीजों पर बात करेंगे, बाकी अयोध्या की और कहानी मैं कल बताऊंगा, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।